था। इसलिए आप देखेंगे महाभारत में कभी कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आप सोचते हैं यार कोई तो कह रहा है ये धर्म है लेकिन ये तो थोड़ा बाउंड्रीज को स्ट्रेच कर रहा है, लेकिन रामायण में इट्स मच मोर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ धर्म, क्योंकि रामायण ऐसे एक युग में था वह धर्म वो स्ट्रॉन्गर। प्रभु श्री कृष्ण और शकुनी आप देखेंगे दोनों ने कई बार रूल्स को स्ट्रेच किए, लेकिन हम कभी शकुनी को अच्छा नहीं कहेंगे, प्रभु श्री कृष्ण को कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके एक्शंस शायद रूल्स को स्ट्रेच कर रहे थे लेकिन देयर इंटेंशंस वर वेरी डिफरेंट। कभी कभार लाइफ इज अनफेयर, कभी कभार लाइफ इज मोर देन फेयर। लर्न नॉट टू बी रिजेंटफुल इन दोज टाइम्स व्हेन लाइफ इज अनफेयर टू यू। अमीश त्रिपाठी जी नमस्ते, द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फिर से बुलाया। सर आपका इंग्लिश एपिसोड शायद हमारा एक सबसे ज़्यादा आइकॉनिक एपिसोड है, लोगों को भारतीय इतिहास के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है, भारतीय इतिहास के कहानियों के बारे में जानना अच्छा लगता है, इसलिए इस एपिसोड में हम डेफिनेटली भारतीय इतिहास के बारे में तो बात करेंगे पर स्पेसिफिकली ये आपकी बुक की वजह से हम रामायण और महाभारत के बारे में ज़्यादा बात करेंगे इस एपिसोड में। तो पहले तो आपने किताब अपने बहन के साथ लिखी है जी। श्रीमती भावना रॉय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस बुक के बारे में कुछ बता दो सर। देखिए ये किताब जो है, हाँ मैंने अपनी दीदी के साथ लिखा है, भावना दीदी मेरी बड़ी बहन है, ज्येष्ठ बहन है, 8 साल बड़ी है मुझसे। और किताब की शुरुआत हुई थी एक, जैसे आप तो जानते हैं हम लोग के भारतीय परिवार कैसे होते हैं, हम लोग काफ़ी बातूनी है, जब भी मिलते हैं बातचीत बहुत करते हैं, स्पेशली फिलॉसफी के बारे में, भारत के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, दर्शन के बारे में। तो एक ये कई साल पहले की बात है, मेरी शिवा त्रय जो है, शिवा ट्रिलॉजी, उसके 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी थी, तो उसके बाद हम लोग बातचीत कर रहे थे और उसमें जो फलसफे हैं उसके बारे में बातचीत कर रहे थे, और फिर डिस्कशन आया मूर्ति पूजा के ऊपर, आइडल वर्शिपिंग, और जो मूर्ति पूजा की जो सुंदरता है उसके अंदर जो उदारवाद है, द इननेट लिबरलिज्म दैट इज देयर इन आइडल वर्शिपिंग, तो उसके बारे में बातचीत शुरू हुई। तो मेरे जो दादा हैं अनीश दादा, मुझसे बड़े हैं, भावना दीदी से छोटे हैं, तो उनने कहा कि आप दोनों इसके ऊपर कुछ किताब लिखिए। तो कुछ सालों का हमने लिखा इसके ऊपर, देन देयर सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, तो वो पोस्टपोन हो गया प्रोजेक्ट, और जब ये कोविड का ये जो आपदा जो आई, महामारी, सब घर में बैठे हुए थे, तो मैंने दीदी को कॉल किया ये पिछले साल के यू नो इन दी अर्ली पार्ट्स, दीदी फिर से शुरुआत करते हैं, तो किताब बनी। अरे सर ब्यूटीफुल, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया अभी, वो शब्द है फिलॉसफी। हिंदी में क्या कहते हैं फिलॉसफी को? देखिए शुद्ध संस्कृत में तो दर्शन कहेंगे, फलसफे भी कह सकते हैं, एक और लेकिन एक बात तो जरूर है, हमारे भारतीय प्रथा में, हमारी संस्कृति में दर्शन या फिलॉसफी सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप पढ़ के मेंटल जिम्नास्टिक्स करके फिर उसे भूल जाइए, उसका कोई फायदा नहीं है। फलसफे जो है जीवन में लागू होने चाहिए, वी शुड इम्प्लीमेंट इट इन लाइफ, ये तो क्या फायदा उसका। तो अगर हम कह रहे हैं कि भाई हम महाभारत से ये सीख रहे हैं कि ईर्ष्या कितनी बुरी बात है या अभिमान कितना बुरा हो सकता है आपके लिए, ईगो कितना बुरा हो सकता है, या जेलसी ईर्ष्या कितनी बुरी हो सकती है आपके लिए, तो ये सब पढ़ने का क्या फायदा है भाई, आपको अपने जीवन में लागू करना है, यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव इट, ओनली देन आप अपने जिंदगी को और प्रोडक्टिव कर पाएंगे। सर स्पेसिफिकली रामायण और महाभारत की बात करेंगे तो अगर आपको उन दोनों एपिक्स को एक एक सेंटेंस में कंडेंस करना हो तो आप कैसे करोगे, एक सेंटेंस रामायण के लिए, एक सेंटेंस महाभारत के लिए? यार ये देखिए ऐसा है कि आप ये जो पश्चिम में है, आपने वो ओडिसी, ये जो ट्रॉय जो पिक्चर थी वो आपने देखी है? ट्रॉय जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध एक एपिक के, पश्चिमी एपिक के ऊपर आधारित है, इलियड, ठीक है,
और उसी का एक यू नो सीक्वल भी है, उस जमाने में भी सीक्वल होते थे, जिसका नाम है ओडिसी। ठीक है, ये होमर ने लिखा था करीब 3,000 साल पहले, शायद 3,000 लगभग लोग कहते हैं, 2,500-3,000 साल पहले। जो इलियड और ओडिसी है उसको आप मिला लीजिए, ओके, और उसको 6 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर भी महाभारत जितना लंबा नहीं होता है। ठीक है, इतना विशाल है हमारा महाभारत, और रामायण तो अलग, तो इसको एक लाइन में डालना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं बस ये कहूँगा कि देखिए, दोनों रामायण और महाभारत हमारे इतिहास है, और इतिहास का अनुवाद ट्रांसलेशन आज के तारीख में सीधे हिस्ट्री कर दिया जाता है, विच इज़ नॉट दी ओरिजिनल मीनिंग। इतिहास का मतलब है इतिहास दस इट हैपेंड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें कहानी भी सुनने को मिलती है, इसमें फैक्ट्स भी हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इससे हमें दर्शन सीखने को मिलता है, वी लर्न फिलोसफीज रामायण की कहानी में भी और महाभारत की कहानी में भी। और रामायण और महाभारत अलग अलग युग में थे। इन द टाइम ऑफ रामायण, रामायण त्रेता युग में हुआ था, वेन धर्मा वॉज स्ट्रोंगर। महाभारत द्वापर युग में हुआ था, और जब प्रभु श्री कृष्ण ने अपने देह को त्यागा, you know, when he left his mortal body, तब कहते हैं कलयुग शुरू हुई। ठीक है, तो धर्म was weaker at the time of the महाभारत, तो एटमोस्फेयर जो था जो अलग था, इसलिए आप देखेंगे महाभारत में कभी कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आप सोचते हैं यार कोई तो कह रहा है ये धर्म है, लेकिन ये तो थोड़ा बाउंड्रीज को स्ट्रेच कर रहा है, लेकिन रामायण में इट्स मच मोर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ धर्म, क्योंकि रामायण ऐसे एक युग में था वह धर्म वो स्ट्रॉन्गर। दैट इज द वे टू अंडरस्टैंड इट। सो यू अंडरस्टैंड रामायण एंड महाभारत अकॉर्डिंग टू द एज इन विच इट हैपेंड। सर क्या अभी कलयुग चल रहा है 2021 में, क्या हो रहा है? क्योंकि कोई कोई लोग कहते हैं कि नहीं, कलयुग तो वर्ल्ड वॉर टू के साथ खत्म हो गया, कोई कोई लोग कहते हैं 200 साल पहले खत्म हो गया, कोई कोई लोग कहते हैं कि ये कलयुग अभी आज चल रहा है, अभी खत्म होने वाला है, कोई कोई लोग कहते हैं कि 2012 में खत्म हुआ। तो क्या हो रहा है इस दुनिया में अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, ये ऐसा है कि व्हेन समवन सेज कलयुग, जो भी जो जो चार युग जो है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, अगर कोई ये कहता है तो यू हैव टू आस्क देम, जब आप ये बोल रहे हो एट व्हाट लेवल आर यू स्पीकिंग? आर यू स्पीकिंग कि कलयुग एट द लेवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, हम आम मनुष्य के लेवल पर, या देव के लेवल पर, या ब्रह्मदेव के लेवल पर, या विष्णु भगवान के लेवल पर, या शिव जी के लेवल पर, महादेव के लेवल पर? क्योंकि द लेंथ ऑफ द कलयुग वेरीज अकॉर्डिंग टू व्हाट लेवल यू आर लुकिंग एट। जैसे आपने देखा है, अगर कोई कहता है ईयर, अगर हम अर्थ पे जी रहे हैं तो ईयर का मतलब है द सोलर ईयर, कि भाई हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द अर्थ टू गो अराउंड द सन, बट दैट इज द सोलर ईयर। देयर आर मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ ईयर। There's the year where the sun goes around the center of the Milky Way galaxy. Sun bhi ja raha hai na. That's so much. So when you say year, common assumption is solar year hamare liye. Lekin year depends on, you know, on how you define it. Correct? Jupiter ke liye year is different. So year at the level of Jupiter is different from year at the level of Earth. Is different at the ऑफ द ईयर एट द लेवल ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का साल तो बहुत छोटा है। ठीक है, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि अगर आप युग बोल रहे हो किसके लेवल पे, ह्यूमन के लेवल पे, देव के, देव जो इंद्रदेव वगैरह जो होते हैं, या लॉर्ड ब्रह्मा के लेवल पे, या विष्णु जी के लेवल पे, या शिव जी के लेवल पे। इट बिकम्स लॉन्गर एंड लॉन्गर। ह्यूमन्स का जो ईयर है, जो युग जो है, कहते हैं दैट आर कलयुग एक डिसेंडिंग कलयुग होता है, एक असेंडिंग कलयुग होता है। इट गोज लाइक दिस इन अ साइन कर्व। साइन याद है ना आपको? साइन कर्व जो मैथ्स पढ़ा था ये, तो आई एम सॉरी, आई नो आप बाकी सब लोगों को मैथ्स बहुत सख्त ना पसंद होगा, मुझे बहुत पसंद था मैथ्स, मैंने ग्रेजुएशन की थी मैथ्स में, आई लव द सब्जेक्ट। तो मैथ्स में याद है जो साइन कर्व जो होता है, ऐसे ऐसे जो जाता है, साइन कर्व, रिमेम्बर दैट? तो कहते हैं कि जो युग जो है, इट्स लाइक अ साइन कर्व, डिसेंडिंग सतयुग, descending Treta Yuga, descending Dwapar Yuga, descending Kalyuga, then ascending Kalyuga, ascending Dwapar Yuga, ascending Treta Yuga, ascending Satyuga। तो ये पूरा एक साइकिल जो होता है ह्यूमंस के ईयर्स में,
26,000 ईयर्स का होता है दिस ह्यूमन लेवल, ठीक है। तो कहते हैं कि अभी असेंडिंग कलयुग स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वन ऑफ द, तो मतलब थिंग्स आर गेटिंग बेटर। वाओ, कलयुग है लेकिन थिंग्स आर गेटिंग बेटर। वाओ, अमेजिंग। सॉरी, थोड़ा ज्यादा ज्ञान तो नहीं हो गया? चलो, रामायण और महाभारत। नहीं 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 सर, ये मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा पसंद है इस लेवल का ज्ञान। तो सर, आई मीन डेफिनेटली आपसे महाभारत रामायण के बारे में बात करनी है, इस किताब के बारे में बात करनी है, पर एक कहते हैं ना बर्निंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कल्कि अवतार के बारे में। जी, लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान के अभी 9 अवतार ख़त्म हुए और 10वां अवतार आने वाला है, जिसे लोग कल्कि अवतार बुलाते हैं, और लोग कहते हैं कि कल्कि अवतार शायद प्रलय का निर्माण करेगा। तो आप कल्कि अवतार के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, ये कहते हैं, देखिए लेजेंड ये है, ट्रेडिशन ये है कि कल्कि अवतार एक श्वेत अश्व पे आएंगे ऑन अ व्हाइट हॉर्स, और प्रलय का आवाहन होगा उनसे कि ही विल प्रलय शो। प्रलय क्या होता है? प्रलय इज द एंड ऑफ एन एज। देखिए, इन द इंडियन वे इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एब्राहमिक वे। एब्राहमिक वे जजमेंट डे, आप जजमेंट डे को प्रलय से इक्वल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जजमेंट डे का मेम का मतलब सब खत्म, द अर्थ इज फिनिश्ड, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, एंड इट्स द किंगडम ऑफ हेवन विच विल लास्ट फॉर एवर एंड एवर। वो एब्राहमिक मतलब क्रिश्चियनिटी इस्लाम, ठीक है, उसमें। लेकिन जो धार्मिक रिलीजन्स जो हैं, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, उसमें प्रलय डजंट मीन की द एंड ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि हमें मानना ये था कि नथिंग एवर ट्रूली डाइज। देखिए, नथिंग कैन एस्केप द यूनिवर्स ना, यू जस्ट चेंज फॉर्म। जो एक फॉर्म के लिए मृत्यु दिखता है वो एक्चुअली दूसरे फॉर्म के लिए सृजन है, क्रिएशन है, करेक्ट। व्हेन आवर बॉडी डाइज व्हाट विल हैपन? आवर बॉडी इज अ टेम्परेरी कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, द केमिकल्स विच मेकअप आवर फिजिकल बॉडी, आवर सोल, एंड द इंफॉर्मेशन दैट वी कैरी, इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ जेनेटिक कोड। अभी हमारा जो इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक कोड है, दैट कैरीज ऑन टू आर चिल्ड्रन, करेक्ट। आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, आप, यू आर कैरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बिलियन ऑफ मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, जब आप एप्स थे, जब आप, ऑल दोज ईयर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आर कैरिंग थ्रू इन योर जेनेटिक कोड, दैट्स इन्फॉर्मेशन दैट यू, दैट पासिस ऑन। सो दैट पासिस ऑन your body, your chemicals, वो पूरा it gets returned to mother earth and will get used somewhere else, शायद पेड़ बन जाएगा, शायद कुछ और बन जाएगा, तो माँ प्रकृति जानती हैं। and our soul will go into another life form or find moksha where we find liberation. तो दो three things which come together, they separate and they go into new forms. तो have you truly died or just changed form? Correct. तो in our इंडियन वे इट इज बिलीव कि जो प्रलय जो होता है, ऑन द अदर साइड ऑफ इट इज क्रिएशन। तो इट्स नॉट कि भैया इसे डरना है, अरे क्या हो गया, सब बंद हो गया, नहीं, वैसा नहीं है। इट इज जस्ट द क्रिएशन ऑफ अ न्यू एज, दैट्स इट। तो दैट्स वॉट कल्कि अवतार इज सपोज टू डू। अभी ये जो 10 अवतार जो हैं, कि 9 अवतार हो गए एंड देन कल्कि अवतार कम्स, this is actually not from the ancient Puranas, this comes more from Geeta Govind, which is relatively recent, matlab by Indian standards only 1000 years old. Indian standards, that's recent. I mean, other countries that may be ancient, hamara to hazaron saal purana hai. To in many of the Vaishnava Purans there are many avatars of Lord Vishnu. Jaise you know the 10 avatars, right, of Lord Vishnu. Kalki is supposed to be the 10th, but isme if you notice, Mohini avatar is not listed out there. Have you noticed that? Jo 10 avatar jo hai usme Mohini avatar kidhar hai, correct? Lekin Mohini avatar to hai Vishnu ji ki, correct. There are many other avatars. Depending on which Puran you read, there could be 34 36 avatars. जो 10 अवतार जो हैं, विच इज मोस्ट पॉपुलर टुडे, कम्स फ्रॉम गीत गोविंद। उसमें लेकिन ऑल द ट्रेडिशन से वेरी क्लियरली दैट कल्कि अवतार विल बी हिज लेटेस्ट अवतार इन आर एज, एंड विच विल शो कि प्रलय आ गया है
एंड अ न्यू क्रिएशन विल बिगिन। आपको लगता है कि कल की अवतार इस दुनिया में ऑलरेडी उनका जन्म हो गया? देखिए कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात तो जरूर कह सकते हैं कि 2020 में यार बदलाव बहुत आया है। मतलब पूरी दुनिया हिल गई है एक तरह से, कि किसने सोचा था इतना सब होगा एक साल में। इट इज जेन्युइनली क्रेजी, ठीक है। मतलब समझे भी कैसे इसको, एक के बाद एक, एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता जा रहा है, यू नो। सिर्फ अपने इंडिया को देख लीजिए, एक तो कोविड महामारी, वो थैंक्स टू चाइना पूरे दुनिया भर में फैल गया। फिर इंडिया में यू नो द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन इन हिस्ट्री इन 100 ईयर्स ईस्टर्न कोस्ट पे आया। वेस्टर्न कोस्ट में भी साइक्लोन आ गया। कब होता है भाई वेस्टर्न कोस्ट में साइक्लोन, वहां पे भी आ गया। अर्थक्वेक हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है भाई, यू नो। लोकस्ट अटैक हो गया, रिमेंबर दैट, लोकस्ट भी आए थे। तो एंड दिस इज ओनली इंडिया, आप वेस्ट में देखिए, हर जगह देखिए कुछ ना कुछ हो रहा है। तो क्या ये एक संदेश है कि युग बदल रहा है? एंड शुड वी इक्वेट दैट विद कल की अवतार? आई डोंट नो। मैं सिर्फ एक लेखक हूँ, मैं महाज्ञानी या कोई ऋषि या तो नहीं हूँ। तो बट परहैप्स दिस इज समथिंग दैट वी शुड आस्क मेनी ऑफ आर रियलाइज, जो सिद्ध पुरुष जो हैं, रियलाइज सोल जो हैं, शंकराचार्य जो हैं, या हमारे जो महान ऋषि हैं, बाबा हैं जो हिमालय में रहते हैं, देयर सो मेनी ग्रेट ऋषि, शायद उनसे पूछने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, बदलाव तो इतना आया है कि एंड 2021 में भी हो रहा है, यू नो। आई वी थॉट, यू नो, एक अच्छा एक मीम मैंने देखा था कि कोई कह रहा था माई गॉड 2020 क्या, यू नो, कम्प्लीटली क्रेजी ईयर, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। एंड 2021 बोलता है बेटा होल्ड माई बियर, मैं अभी और दिखाता हूँ अभी क्या क्या हो, जस्ट एक ही महीना हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है भाई 2021 में भी, 20 दिन हुए हैं, यू नो, अमरीका में क्या हो रहा है, हर जगह। इट इज रियली, दिस इज एन एज ऑफ मैसिव चेंज, एंड आई थिंक इट्स ओनली कंट्रीज विच आर ग्रिटी, विच आर टफ, विल गेट थ्रू दिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी एट दिस, इन दिस एज, एज लाइक दिस, वो हाउ ग्रिटी एंड हाउ टफ यू कैन बी, कि मार खा रहे हो लेकिन फिर भी आगे बढ़ते जाओगे, रुकोगे नहीं। इट्स नॉट नेसेसरली द फास्टेस्ट और द, यू नो, इट्स द मोस्ट ग्रिटी कूल सर्वाइव, आई थिंक 100%। सर, इस थियोरी पर मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले तो मतलब मैं बहुत सारी योगिक किताबें पढ़ता हूँ, जहाँ योगिक थियोरीज मैथोलॉजी से कंबाइन होते, सॉरी मैथोलॉजी नहीं, इतिहास से कंबाइन होती है, और फिर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से इतिहास को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो पहले तो जहाँ हम बात कर रहे हैं विष्णु पुराण की और 10 अवतारों की, वो बेसिकली एक एवोल्यूशनरी स्केल का एक रिफ्लेक्शन है, कि पहला अवतार एवोल्यूशनरी लैडर पर बहुत पीछे का, हाँ, मात्स्य अवतार था, फिर ग्रेजुअली हमें एवोल्यूशन का एक झलक मिली उन 10 अवतारों से। तो अगर आप उस लैडर को स्टडी करोगे, अभी आई थिंक लास्ट अवतार लोग मानते हैं कि बुद्धा भगवान 9th अवतार थे, और उनके बाद क्या होने वाला है। तो अगर हम ये एवोल्यूशनरी थियोरी को फॉलो करेंगे, तो 10 अवतार का रूप ह्यूमन फॉर्म के उस पार का रूप होगा। उसका ये मतलब है कि हमारी आत्मा जब इस शरीर में घुसती है हमारे जन्म पे, तो तब हमारी आत्मा सिर्फ थोड़े टाइम के लिए इस शरीर में टाइम बिता रही है, और उसके बाद कोई और, मतलब हमारी डेथ के बाद कोई और रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो वो रूप को लोग कहते हैं एस्ट्रल रूप, एस्ट्रल वर्ल्ड। और लोग कहते हैं कि एक थियोरी है कि कल्कि अवतार शायद एक एस्ट्रल फॉर्म में है, और शायद उनका जन्म एस्ट्रल वर्ल्ड में हो चुका है, और क्योंकि उनका जन्म एस्ट्रल फॉर्म में हो चुका है, इसलिए शायद अब हम इस प्रलय टाइप के सिनारियोज देख रहे हैं इस दुनिया में, जो आप कह रहे हो कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं पूरी की पूरी दुनिया में। आई डेफिनेटली फील कि जो चेंजेस हमने 2020 में देखे, वो हम अगले 2-3 सालों तक देखते जाएंगे। और लोग ऐसे भी कहते हैं, स्पेशली योगिक थॉट में,
कि कल्कि अवतार की वजह से, उनके जन्म की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है, बट ये एक योगी का पर्सपेक्टिव है, ये एक योगिक थियोरी है। आई डोंट नो, आपकी कोई राय है इस चीज़ को लेकर? आई बी ऑनेस्ट, इसके बारे में शायद मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इसे डिसमिस ज़रूर नहीं करूँगा, हो सकता है, लेकिन मैं इतना नहीं जानता उसके बारे में। लेकिन एक बात तो तय है, जिस गति से बदलाव जो आ रहा है, एक किसी ने कहा था कि देर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस एंड देर आर वीक्स व्हेन डेकेड्स हैपन, कि कई दशक ऐसे होते हैं जिसमें कुछ नहीं होता है, और कुछ हफ्ते ऐसे हो जाते हैं जिसमें दशकों जितना जो बदलाव है वो कुछ हफ्तों में हो जाता है। तो वही हमें देखने को मिल रहा है। तो दिस इज अ टाइम ऑफ चेंज जी, लेकिन जी मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं निराशावादी नहीं हूं, आई एम नॉट पेसिमिस्टिक, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं इंडिया के बारे में, स्पेशली हमारे देश में, इंडिया के बारे में। क्योंकि देखिए, ये बदलाव की घड़ी कब बंद होगी और उस समय दुनिया का हाल क्या होगा, ये भाई कोई नहीं कह सकता है। अगर कोई आपको कह रहा है कि हाँ 3 साल बाद इट विल बी लाइक दिस, वो आपको झूठ बोल रहा है। अगर उसको मालूम होता तो उसने 1 साल पहले ये प्रेडिक्ट क्यों नहीं किया कि भैया ये आपदा आएगी, ये महामारी आएगा, कोविड आएगा, कोई वहां पे चमगादड़ खा रहा है उसके कारण एवरीथिंग विल, उसने ये प्रेडिक्ट क्यों नहीं किया? तो नो वन नोज फॉर श्योर कि अगले 3 साल में क्या बदलाव होंगे। लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि जो गुण चाहिए किसी में टू सर्वाइव दिस पीरियड, वो हमारे भारत देश में आज है। मैं लंदन में रह रहा हूं अभी, मैं पश्चिमी देशों की बात करता हूं। जो ग्रिट, जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए ऐसे माहौल में, वो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनके जो परिवार सिस्टम है सब बिखर गए हैं पश्चिमी देशों में, ट्रेडिशन सब बिखर गए हैं, सेंस ऑफ कम्युनिटी पूरा बिखर गया है, कोई एकजुट नहीं हो रहा है। ऐसे माहौल में पीपल हैव टू बी यूनाइटेड, वो ग्रिट और टफनेस होना चाहिए। शायद इतने सालों तक वो अमीर रहे, कंफर्टेबल रहे, तो उससे बंदे थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। इंडिया में हमने तकलीफें देखी, हम लोग डरते नहीं हैं तकलीफ से, हमने क्या क्या नहीं देखा है भाई, बट तो हम लोग डरते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे इतने दशकों तक एक अच्छा माहौल देखा है कि थोड़े सॉफ्ट हो गए, दे बिकम सॉफ्ट, राइट? डेफिनेटली। और इसका एक प्रतीक देता है हमारे क्रिकेट टीम में, आप देखिए जो अभी हाल में जो सीरीज हुआ ऑस्ट्रेलिया में, भाई अगर कोई भी ये कहता कि हमारा जो कैप्टन और टॉप बैट्समैन वो वापस चला गया पहले टेस्ट के बाद, व्हेन वी गॉट द वर्स्ट रिजल्ट इन हिस्ट्री, 36 ऑल आउट, 36, फिर अपना जो टॉप बैट्समैन बॉलर सब इंजर्ड एक के बाद एक, किसी बेचारे का उंगली टूट गया, किसी का एल्बो, ये समन अ ग्रेड टू टेयर ऑन द हैमस्ट्रिंग, बेचारा कड़ा भी कैसे हो यार, खेलना तो दूर की बात। सो इट्स नॉट इवन द सेकेंड टीयर, इट्स लाइक द पीपल हु बीन द थर्ड टीयर टीम, उनको टेस्ट मैच में खड़ा कर दिया, एंड दे आर फेसिंग द ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक विच इज यूनिवर्सली एक्नोलेज्ड परहैप्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड, करेक्ट, इफ नॉट द बेस्ट एवर, एटलीस्ट इन ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री। ऐसे माहौल में हमारे टीम जो है उनकी टफनेस देखिए, ओके, ऐसे माहौल में लड़ते रहे, कभी हार नहीं मानी। आप अश्विन और हनुमा विहारी की देखिए, जो सेकेंड लास्ट टेस्ट मैच में था, आर अश्विन जो चेन्नई का है, हिज बैक वॉज सो बैड, उसकी पत्नी कह रही थी बेचारा वो उठ नहीं पा रहा था ऑन द डे ऑफ द मॉर्निंग, फिर भी 4-5 घंटे बैटिंग करता रहा, उसने हथियार नहीं डाले। हनुमा विहारी का हैमस्ट्रिंग इंजरी था, फिर भी खड़ा रहा, हथियार नहीं डाले उसने। फिर एक मोहम्मद सिराज, एक के बाद एक, ऋषभ पंत, एक के बाद एक, शुभमन गिल, क्या स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखाया उन्होंने। और आप देखिए कि शुभमन गिल के जो पिताजी हैं, शुभमन गिल ने मतलब हमें जीत के के दरवाजे तक ले आए वो हमें,
और उनके पिताजी कह रहे थे यार उसने 100 क्यों नहीं बनाया, 100 बनानी चाहिए, तो मतलब जितना भी करो उससे थोड़ा आगे करो बेटा, के तो वो टफनेस है, कंपेरेटिवनेस है हम में, विच इज क्वालिटीज दैट ऑल ऑफ अस इंडियंस हैव टुडे, विच विल हेल्प अस थ्रू दिस डिफिकल्ट फेज, क्योंकि क्या चैलेंजेस आएंगे ओवर द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स कोई नहीं कह सकता है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अगर अंदर टफनेस है कि जो भी आएगा साला देख लेंगे, वो टफनेस होनी चाहिए, देन वी विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस, जो मुझे इंडिया में आज देखने को मिलता है। सर तो हम टफनेस की बात कर रहे हैं, टफनेस की वजह से मुझे अर्जुन और भीम के बारे में बात करनी है और जनरली महाभारत के बारे में बात करनी है। आई थिंक मोस्टली हर किसी को महाभारत के बारे में पता है, पर शायद महाभारत के सीक्रेट्स के बारे में नहीं पता, और महाभारत की फिलॉसफीज़ जो जिन चीज़ों को आप मॉडर्न डे में अप्लाई कर सकते हो, अपनी आम तौर की ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हो, उन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तो ये सीक्रेट्स और फिलॉसफीज़ के बारे में मुझे महाभारत के बारे में जानना है सर। देखिए एक तो एक चीज़ हमें ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि महाभारत ज़्यादातर मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि भाई ये हाल है, ज़्यादातर जो आज के तारीख में जो लोग महाभारत जानते हैं वो एक 1980s के टेलीविजन सीरियल पर आधारित है, और दुख की बात यह है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें हम महाभारत और रामायण सिखाते नहीं हैं, विच इज़ वेरी बिजार, क्योंकि भाई ये हमारी धरोहर है, आप जिस भी पंथ के हों, जिस भी रिलीजन के हों, जिस भी क्षेत्र के हों, ये हमारे धरोहर, पूरे भारतवर्ष की धरोहर है, तो वी शुड लर्न इट। तो इसमें कई चीज़ें जो हैं जो हमें सीखनी चाहिए हम सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ टेलीविजन सीरियल देखा है, क्रिटिकल टेक्स्ट महाभारत की पढ़ी नहीं। तो महाभारत सिर्फ कहानी नहीं है, उसमें कई फलसफे हैं, गवर्नेंस लेसन्स हैं, शांति पर्व जो है जिसमें भीष्म पितामह पांडव से बात कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली अ गवर्नेंस लेसन इन द गैप ऑफ अ स्टोरी, ठीक है। रामायण में जब सुग्रीव अपनी वानर सेना को पूरे चारों दिशाओं में भेज रहे हैं सीता माँ को ढूंढने के लिए, वेन दी ऑब्वियस पॉइंट इज कि भाई सबको मालूम था लंका किधर है, वो तो दक्षिण में है, तो उत्तर क्यों भेज रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज़ अ ज्योग्राफी लेसन इन द गैप ऑफ अ स्टोरी, क्योंकि सुग्रीव बता रहा है अपने वानर सेना कि आप उत्तर जाओगे तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये नदी आएगा, फिर ये पहाड़ आएगा, ये इट्स अ ज्योग्राफी लेसन इन द गैप ऑफ अ स्टोरी। तो रामायण और महाभारत में थ्रू इन द गैप ऑफ अ स्टोरी वी लर्न अ लॉट। हमारे जो गुरुकुल पाठशाला जो होते थे टिल द 18th century उसमें सिखाया जाता था, अभी दुख की बात है कि नहीं सिखाया जाता, सो वी डोंट लर्न मेनी ऑफ द लेसन्स दैट आर देयर इन द महाभारत। और फलसफे में भी, क्योंकि उसी को हम दर्शाते हैं इस किताब में, धर्म में, कि महाभारत से फिलॉसफीज क्या लर्न कर सकते हैं, कि कर्ण से क्या लर्न कर सकते हैं अबाउट लॉयल्टी, ठीक है। कर्ण बहुत लॉयल था दुर्योधन के प्रति, आप मेरी रामचंद्र श्रृंखला पढ़ेंगे, रामचंद्र सीरीज, उसमें कुंभकर्ण भी रावण के प्रति बहुत लॉयल है, और मेरी पुरानी शिवा ट्रिलॉजी पढ़ेंगे उसमें पर्वतेश्वर महादेव शिव जी के प्रति बहुत लॉयल है, तीनों लॉयल हैं, कर्ण, कुंभकर्ण और पर्वतेश्वर, लेकिन तीनों लॉयल्टी में फर्क है। आप देखेंगे कर्ण's लॉयल्टी टू दुर्योधन इज ब्लाइंड लॉयल्टी, क्योंकि कर्ण एक धार्मिक नोबल अच्छा आदमी था, बट ही वॉज लॉयल टू दुर्योधन जो अधर्म के पथ पर चल रहा था, दुर्योधन वॉज गोइंग ऑन द पार्ट ऑफ अधर्म, लेकिन कर्ण ने कभी अपने मित्र को रोका नहीं, उसने कभी अपने दोस्त को रोका नहीं कि बेटा तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, कभी नहीं किया, कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं, उसका बस ये था कि भाई मुझे इसके प्रति लॉयल होना है, बस दैट इज ब्लाइंड लॉयल्टी। और हम लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई इज दैट गुड, फॉरगेट अबाउट फॉर कर्ण, ऑब्वियसली कर्ण के लिए अच्छा नहीं था, दुर्योधन के लिए भी शायद अच्छा नहीं था, शायद आपका अच्छा मित्र ये होता है जो आपको कभी कभार कड़वी सच बोले, ये नहीं कि आपके हाँ में हाँ मिलाते रहे क्योंकि नहीं हैव टू बी लॉयल। अच्छा दोस्तों ये होगा ना, जो अगर आप अधर्म के रास्ते पर जा रहे हो तो आपको रोके, आपको टोके,
तो डिड कर्ण डू दैट? नो. तो हिज लॉयल्टी वॉज ब्लाइंड लॉयल्टी. कुंभकर्ण ऑन दी अदर हैंड वॉज ऑल्सो लॉयल टू रावण, जो वो भी अधर्म के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन कुंभकर्ण अच्छा आदमी था, धार्मिक था. बट एटलीस्ट अनलाइक कर्ण जो ब्लाइंडली लॉयल था, कुंभकर्ण न्यू वॉट इज एल्डर ब्रदर वॉज, ही वॉज इन ब्लाइंड टू इट एंड ही नेवर स्टॉप फ्रॉम शोइंग द मिरर टू रावण. ट्राई तो करता रहता था कि भाई उसको रोकने की, उसको टोकने की ट्राई करता रहता था, बोलता रहता था उसको कि दादा आप क्या कर रहे हैं. तो एटलीस्ट उसने ट्राई तो किया, लेकिन फिर भी वो अपने दादा से इतना प्रेम करता था कि जो भी वो उसके दादा करें दो कदम पीछे वो चलता रहता था, लेकिन ट्राई तो करता था उन्हें सुधारने की. तो ही वॉज लॉयल बट नॉट ब्लाइंडली लॉयल अनलाइक कर. एंड इफ यू सी पर्वतेश्वर, हिज सिचुएशन वॉज वेरी इजी इन अ वे बिकॉज ही वॉज लॉयल टू अ नोबल पर्सन. तो फिर वो लॉयल्टी, वो दोस्ती कभी टेस्ट नहीं होती, क्योंकि इफ यू आर लॉयल टू अ पर्सन जो खुद धर्म की राह पर चल रहा है, जो अच्छा आदमी है, जो कभी गलत काम नहीं करता है, तो देन इट्स इजी फॉर यू टू बी लॉयल टू. करेक्ट. तो इफ यू सी दीज थ्री, वी कैन लर्न लेसन्स ऑन लॉयल्टी फ्रॉम देम. एंड दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, देर आर मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दिस विच इज वॉट वी स्पीक ऑफ इन दिस बुक, दैट वॉट कैन वी लर्न फ्रॉम आर एपिक्स. एंड दीज आर थिंग्स जो हमें अपने आम तौर की जिंदगी में लागू करनी चाहिए. इट्स नॉट जस्ट कि भाई हाँ एक पॉडकास्ट सुन लिया, अरे अच्छा है चलो अभी आगे जाके क्रिकेट खेलते हैं, कुछ और करते हैं. नो, इसे आप अपनी जिंदगी में लागू करिए, तभी आपका, तभी आपकी जिंदगी और सफल होगी. नहीं सर, और ये सिर्फ एक स्टोरी है, इतने सारे स्टोरीज है जो आप डेफिनेटली खुद के लाइफ के मुश्किल मोमेंट्स में अप्लाई कर सकते हो. अगर आपको, आप अगर आपके दिमाग में वो रेफरेंस पॉइंट है महाभारत के, रामायण के, और यार मुश्किल किसकी जिंदगी में नहीं आती हमें, और मुश्किल और खराब वक्त किसकी जिंदगी में नहीं आती. हम सबको दुख कभी ना कभी तो झेलना पड़ेगा, सबकी जिंदगी में आएगी, सबकी जिंदगी में. नो वन इज सेफ फ्रॉम, तब ये फलसफे काम है. जी सर. सर रामायण के बारे में स्पेसिफिकली आप कुछ बता सकते हो जो लोग शायद जानते नहीं? इसके बाद हम ट्विटर के सारे क्वेश्चंस लेंगे जहाँ बहुत सारे मिनी मिनी क्वेश्चंस हैं महाभारत रामायण के, पर उसके पहले मैं आपके साथ इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा रामायण के बारे में. बेसिकली आप ये समझा सकते हो कि राम अवतार और कृष्ण अवतार के बीच में अंतर क्या था, और हम मॉडर्न डे पर्सपेक्टिव से उस अंतर से क्या सीख सकते हैं? क्योंकि मैंने एक बहुत ही बढ़िया थियोरी पढ़ी है कि लोग कहते हैं कि रामायण के युग में झगड़ा हो रहा था अयोध्या और लंका के बीच, महाभारत के ज़माने में झगड़ा हो रहा था एक फैमिली के बीच, और आज के ज़माने में आपके अंदर ही झगड़े होते रहते. मतलब ये होती है एक फिलॉसफी, एक थियोरी. पर आप भी कुछ, आप पहले इस थियोरी के बारे में क्या सोचते हो, फिर हमें रामायण और हमें राम भगवान और कृष्ण भगवान के बारे में कुछ चीज़ें बता दो. देखिए, जो अंदरूनी जो लड़ाई होती है ये तो सदियों से चली आ रही है, बिकॉज हम सबके अंदर एक देव भी है, देयर इज समथिंग गुड हम सबके अंदर, और हम सबके अंदर कोई नॉट सो गुड भी है. ठीक है, और हम जो निर्णय लेते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, वो इस आधार पर होता है कि भाई हमारे अंदर जो लड़ाई जो हो रही है उसमें जीता कौन है. और अगर आप फलसफे को समझें, दर्शन को समझें, तो फिर आप अपने जो निर्णय लेंगे वो विवेक के साथ लेंगे, थोड़े विजडम के साथ लेंगे, डिस्टिंक्शन के साथ लेंगे. नहीं तो कई लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे ऐसे ही दे जस्ट फ्लोट थ्रू लाइफ. भाई जो भी हो रहा है बिना सोचे समझे, ये कर लिया वो कर लिया, सोच नहीं रहे कि भाई हाउ टू लीड अ थॉटफुल गुड लाइफ. करेक्ट. और जहाँ तक प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण का, यू नो, इफ यू हैव टू कंपेयर, देखिए प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो त्रेता युग में थे. लाइक आई सेड, धर्म वाज स्ट्रॉन्गर.
मर्यादा पुरुषोत्तम का जो अनुवाद होता है, जो ट्रांसलेशन जो होता है, कई बार पीपल ट्रांसलेटेड एज आइडियल मैन, लेकिन वो एक इनकम्प्लीट ट्रांसलेशन है, वो तो पुरुषोत्तम का ट्रांसलेशन है, लेकिन आप मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा उसमें ऐड कर दें तो फिर उसका ट्रांसलेशन क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम का ट्रांसलेशन क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम का ट्रांसलेशन है आइडियल फॉलोअर ऑफ लॉज, जो मर्यादा कानून प्रथाओं के मुताबिक चलता है, ठीक है। और हमें ये समझना है हमारे जो ट्रेडिशन है उसमें भगवान कभी आपको जज नहीं करते कि तुम ये करोगे तो तुम नरक जाओगे, ये करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी होता है हमारे कर्मों के ऊपर होता है, कोई हमें जज नहीं करता, ठीक है। और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो यहीं पे होंगे, अर्थ पे ही होंगे, हमारे यहाँ कोई परमानेंट हेवन परमानेंट हेल नहीं है, ठीक है। तो वी ओनली सफर और बेनिफिट फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आर ओन एक्शंस। तो ये जो कहानियाँ हैं जो हम अपने देवी देवताओं को देख रहे हैं, वी हैव टू सी देम एज आर्किटाइप्स, रोल मॉडल्स, कि उन रोल मॉडल से हम क्या सीख सकते हैं। तो प्रभु श्री राम इज अ रोल मॉडल फॉर एन आइडियल फॉलोअर ऑफ लॉज, ठीक है, जिसे ये पथ पर चलना है। उस रोल मॉडल की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं कि भाई ऐसे जो लीडर हैं नॉर्मली अपने समाज अपने देश के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे होते हैं, राम राज्य स्थापित करते हैं, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें बहुत कठिनाई होती है। ये रोल मॉडल है। ऐसे सिर्फ प्रभु श्री राम नहीं थे, ऐसे तो गौतम बुद्ध भी थे, महात्मा गांधी भी थे। अगर हम उनकी कहानी पढ़ें विद दिस रोल मॉडल इन माइंड, फिर हमें समझ में आएगा कि महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, प्रभु श्री राम अपने समाज के लिए बहुत अच्छे थे, अपने देश के लिए बहुत अच्छे, लेकिन उनकी जो जाती जिंदगी थी, तीनों के हम देख सकते हैं, कठिनाइयां तो थी, दुख भी था। तो दैट इज द रोल मॉडल दैट वी लर्न, करेक्ट। प्रभु श्री कृष्ण से हम क्या सीख सकते हैं कि भाई अगर आप ऐसे स्थिति में हो, कलयुग में हैं, और आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहां आपका शत्रु, आपका एनिमी धर्म का कुछ पालन नहीं कर रहा, एकदम रूथलेस, क्रूअल, नो मॉरल्स, नथिंग, ऐसे सिचुएशन में आप कैसे लड़ेंगे? प्रभु श्री कृष्ण और शकुनी, आप देखेंगे दोनों ने कई बार रूल्स को स्ट्रेच किए, लेकिन हम कभी शकुनी को अच्छा नहीं कहेंगे, प्रभु श्री कृष्ण को कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके एक्शंस शायद रूल्स को स्ट्रेच कर रहे थे, लेकिन देयर इंटेंशंस वर वेरी डिफरेंट। प्रभु श्री कृष्ण वॉज नेवर अबाउट सेल्फिश, नेवर अबाउट हिज ओन सेल्फिश इंटरेस्ट एट ऑल, कि समाज का कैसे भला, उसके लिए मुझे थोड़ा रूल्स तोड़ने पड़ रहे हैं, स्ट्रेच करने पड़ रहे हैं, ठीक है, करेंगे। लेकिन शकुनी वो करता था सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, वो फर्क था। तो प्रभु श्री कृष्ण से शायद हम ये सीख सकते हैं, जैसे कई बार जो जो विदेशियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, पहले टर्क्स ने, फिर यूरोपियंस ने, वो लोग तो लड़ाई में कुछ भी करते थे, उनको कुछ धर्म वर्म कुछ नहीं। धर्म इज नॉट रिलीजन, पंथ इज रिलीजन। धर्म मतलब द राइट वे टू लिव, ड्यूटीज। वो हम जानते हैं, वो महमूद गजनी और अलाउद्दीन खिलजी, क्या मतलब, दे हैड नो नॉर्म्स, वो कुछ भी करते थे, ओके, क्रूअल एंड रूथलेस। लेकिन हमारे जो जो योद्धा जो थे, जो वॉरियर्स थे, उनमें दे वर वेरी ब्रेव, लेकिन अगर वो रूल्स का पालन कर रहे हैं, सामने वाला नहीं कर रहा है, तो भाई समटाइम्स वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ दैट, करेक्ट। लेकिन आप मराठाओं की कहानी देखें, छत्रपति शिवाजी की कहानी देखें, उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण से प्रेरणा ली कि भाई सामने वाला, ये एक एक लाइन है महाभारत में, शटे शाट्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए, अगर सामने वाला दुष्ट है तो हमें उसके साथ दुष्टता ही करनी चाहिए, तभी वो सीखेगा। प्रभु की श्री कृष्ण ये सिखा गए, छत्रपति शिवाजी ने वही किया, और इसलिए मराठा जीते
और उनने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, आज भी हम वो सीख सकते हैं। हमारे पश्चिमी ओर पर एक देश है जो आतंकवादी करता है, मतलब वो मर्द की तरह थोड़ी अटैक करता है के सामने आके आमेज नहीं, तो अपने सैनिक को भेज देगा, जैसे करगिल में क्या उनने, कारगिल में, और कह रहा नहीं हमारा सैनिक तो है नहीं, वो तो टेररिस्ट है। बताइए 10-15 साल बाद उनने अक्नॉलेज किया, जो उनके जो खुद के सैनिक मारे गए उनके शरीर वो वापस नहीं ले रहे थे। हमारी भारत की सेना इतनी इतनी धार्मिक है, इतनी ऑनरेबल है कि वो पाकिस्तानियों के अंतिम संस्कार हमारी सेना ने किए, क्योंकि पाकिस्तानी सेना लेने को तैयार नहीं थी, क्यों वो कह रहे थे ये हमारे सैनिक तो है नहीं, ये तो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, हम ये हम हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं। अभी अगर सामने वाला ऐसा है तो उसके साथ कैसे लड़ना चाहिए? शायद प्रभु श्री कृष्ण की तरह लड़ना चाहिए, तभी वो सीखेगा। तो ये रोल मॉडल्स हैं और हम सीख सकते हैं इनसे कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन लेकिन ये हरदम याद रहे, प्रभु श्री कृष्ण बनते बनते हम कहीं शकुनी ना बन जाए, ये इट्स अ स्लिपरी स्लोप ना। कि अगर हमारा जो पश्चिमी जो नेबर है, अगर उनसे लड़ते लड़ते हम खुद उनकी तरह बन जाएं, तो भाई क्या फायदा यार, हमारे पूर्वज विल बी एम्बैरेस्ड ऑफ अस, क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब आप समझ रहे हैं ना। प्रभु श्री कृष्ण और शकुनी में फर्क है, और वो हरदम हमें वो ख्याल रहना चाहिए, रखना चाहिए। तो दैट दीज आर द थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम दीज टेक्स विच वी कैन अप्लाई इन आवर लाइफ। जी अमेजिंग सर। सर और इस पॉडकास्ट के एंड में एक छोटी सी सेक्शन हमने स्टार्ट की है, ट्विटर वर्स के क्वेश्चंस। ये हमारा रैपिड फायर राउंड का ही वर्जन है, और डेफिनेटली रामायण महाभारत से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, तो वी विल बिगिन। ओके अमीश त्रिपाठी जी, ये है हमारे बियर बाइसेप्स ट्विटर वर्स के क्वेश्चंस। अच्छा ये थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है एट द स्टार्ट, पर जैसे रामायण के युद्ध के बाद, जो लंका में युद्ध हुआ था उसके बाद जिस स्टोरी के बारे में लोग जानते हैं, वो सीता माँ की, सीता मैया का जी कि लवकुश के जन्म से पहले क्या हुआ था, लवकुश का जन्म फॉरेस्ट जंगल में क्यों हुआ था, वो आप उस पर थोड़ी बात कर सकते हैं। देखिए ये ऐसा है कि इस विषय पर मैं भी लिखूंगा, आप जानते हैं मैं रामचंद्र श्रृंखला लिख रहा हूँ, इनकी 3 किताबें प्रकाशित हो गई हैं, तो मेरी कहानी में भी इसका डिस्कशन होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि प्रभु श्री राम से हम सीखते हैं कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ एन आइडियल फॉलोअर ऑफ लॉज, और उसमें जैसा मैंने बताया कि जो आइडियल फॉलोअर ऑफ लॉज जो होते हैं वो अपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, राम राज्य स्थापित करते हैं। जैसे प्रभु श्री राम भी नहीं थे, सिर्फ वो नहीं थे, गौतम बुद्ध भी थे, महात्मा गांधी भी थे, लेकिन उनकी जो जाति जिंदगी है, पर्सनल लाइफ जो है, उसमें बहुत कठिनाइयां आती हैं नॉर्मली। और जैसा मैंने कहा ये सिर्फ प्रभु श्री राम के कहानी में नहीं है, ये गौतम बुद्ध के कहानी में भी है। उनने भी अपने उनके जो धर्मपत्नी थी यशोधरा माँ, उनको त्याग दिया था सन्यासी बनने के लिए। उनके जो बेटे जो थे उनका नाम था राहुल, आज के दौर में हम सब समझते हैं कि राहुल का मतलब है गौतम बुद्ध का बेटा, गौतम बुद्ध के बेटे, ये हम समझते हैं इसका मतलब। लेकिन गौतम बुद्ध जी के जमाने में राहुल का मतलब क्या होता था? राहुल का मतलब था बेड़ियां, जो पांव में जो बांधी जाती हैं बेड़ियां, चेन्स। तो सोचिए गौतम बुद्ध अपने बेटे के बारे में ये सोचते थे कि उन्हें अपने बेटे को नाम दे दिया राहुल, बेड़ियां। महात्मा गांधी के भी बारे में हम जानते हैं, जाति जिंदगी में बहुत कठिनाइयां थी, उनकी धर्मपत्नी के साथ भी, उनके
बच्चों के साथ भी। तो जैसा मैं, और प्राचीन जमाने में हमारे जो पूर्वज थे वो कभी जजमेंट नहीं करते थे, जजमेंट का कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट जजमेंट का अनुवाद ही नहीं था वैदिक संस्कृत में, कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो उसके लिए शब्द ही नहीं था। ब्लास्फमी का भी अनुवाद नहीं था वैदिक संस्कृत में, जो अंग्रेजी जो शब्द है ना ब्लास्फमी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो उसके लिए शब्द क्यों बनाना भाई। तो जजमेंट मत करिए, समझने की कोशिश करिए कि जो आइडियल फॉलोअर ऑफ लॉज हैं वो अपने समाज के लिए बहुत अच्छे होते हैं, परिवार में बहुत कठिनाइयां होती हैं, तो अगर आप उनकी प्रजा हैं तो भाई आप तो उनसे बहुत स्नेह करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे। लेकिन अगर आप उनके परिवार के सदस्य हैं तो शायद ये जायज होगा कि आप थोड़ा कंप्लेन करें, करेक्ट? अभी इसमें जजमेंट का कोई फायदा नहीं है, इसे बस ऐसे देखना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे एक दूसरा तरह के लीडर भी होते हैं। एक लीडर तो ऐसे हैं जो सिर्फ समाज के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में नहीं। दूसरे लीडर ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने राज्य समाज के बारे में नहीं। जैसे धृतराष्ट्र थे, सिर्फ अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने प्रजा के बारे में जितना सोचना चाहिए था नहीं सोचते थे। और फिर मैं इसमें जजमेंट नहीं कर रहा हूं जी, क्योंकि यहां पे आप कहेंगे भाई माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, राजा शायद इतने अच्छे नहीं है, राजा रानी शायद अच्छे हैं। यहां पे आप कहेंगे भाई अपने समाज के लिए इतनी उमदा है, महान राजा है, महान नायक है, महान लीडर है, लेकिन परिवार के लिए हाँ थोड़ा शायद कंप्लेन किया जा सकता है। तो ये दो एक मॉडल्स हैं। आप देखेंगे आज के तारीख में भी हम कैसे लीडरों के लिए वोट करते हैं, आप देखेंगे। और मैं सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रदेश की बात भी कर रहा हूं। आप देखेंगे सबसे शक्तिशाली जो महिला नेताएं हुई हैं हमारे देश में, आपने देखा होगा ज्यादातर सिंगल है। क्यों? क्योंकि दिमाग में कहीं बैठा हुआ है कि ये इंसान ऐसा है जो सिर्फ समाज के बारे में सोचेगा, परिवार के बारे में नहीं सोचेगा। हमारे जो मेल लीडर्स में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो पॉपुलर होते हैं कभी कभार, कई बार सिंगल होते हैं, ये एक मॉडल है। और दूसरा मॉडल ये भी है, ऐसे एक मतलब माँ या बाप होंगे जो पूरे 130 करोड़ भारतवासी को बलि चलाने को तैयार हैं अपने बेटे के लिए। मैं जज नहीं कर रहा हूँ, बस दो मॉडल हैं। क्योंकि यहाँ पे आप कहेंगे माँ बाप इतने अच्छे हैं, लीडर शायद थोड़े, यहाँ पे लीडर इतने अच्छे हैं, लेकिन परिवार के बारे में प्रश्न उठाया जा सकता है। बस मैं बस यही कह रहा हूँ, इसमें कोई जजमेंट नहीं है। तो हम कौन है भाई? हम प्रभु श्री राम के प्रजा हैं कि उनके परिवार हैं? हम तो उनके प्रजा हैं। तो मैं तो उनसे बहुत स्नेह करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ जय श्री राम, बड़े गर्व के साथ कहता हूँ। लेकिन हाँ, कोई भी राम भक्त ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं कहेगा हाँ सीता माँ के साथ ठीक नहीं हुआ। और इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु श्री राम की इज्जत नहीं करते हैं, उनकी आराधना ही नहीं करते, उनकी तो हम बहुत पूजा करते हैं और हम सीता माँ की भी पूजा करते हैं। लेकिन हाँ ये चैलेंज था, क्योंकि और जैसा मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हम तो प्रभु श्री राम की प्रजा हैं, हम उनकी परिवार थोड़ी ना हैं, हम उनकी प्रजा हैं। और हमारे और उनने अपनी प्रजा के लिए अपने परिवार को त्याग दिया, तो ये तो हमारे ऊपर उसका गिल्ट हुआ ना, गिल्ट तो हमारे ऊपर। ये प्रश्न था विदग्ध का, और उन्होंने स्पेसिफिकली विमेन्स कैरेक्टर से रिलेटेड ये सवाल पूछा था कि इज दिस अ रिफ्लेक्शन ऑफ विमेन्स कैरेक्टर। मेरी हिंदी आपकी हिंदी जितनी अच्छी नहीं है, पर अगर आप ये सवाल हिंदी में समझा सकते हैं हमारे लिसनर्स को, इज दिस, मैं इंग्लिश में सुना देता हूँ, डज इट इन सम वे जस्टिफाई क्वेश्चनिंग ऑफ वुमेन्स कैरेक्टर? नहीं देखिए, या आप हिंदी में एक बार सवाल समझा दे। हाँ देखिए, ये जो जो ये पूछ रहे हैं कि जो महिला पात्र जो होते हैं हमारे कहानियों में, तो उसके ऊपर क्या प्रश्न उठाया जा रहा है? तो देखिए, या उनके साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि रामायण महाभारत से, रामायण महाभारत नहीं, हमारे पौराणिक कथाएं सब जो हैं ये कहानियां हैं। कहानियां में कई बार महिला पात्रों के साथ भी अन्याय होता है,
और ये मानव जो जो पुरुष जो हैं, पुरुष पात्रों के साथ भी कभी कभार अन्याय होता है। महाराज दशरथ के साथ भी अन्याय हुआ था, तो क्या हम इसका ये मतलब निकाल दें कि रामायण इज एंटी मैन? नहीं, पात्र थे, उनके साथ अन्याय हुआ, क्या करें? महिला पात्रों के साथ भी अन्याय हुआ, दैट इज द वे टू सी इट। कहानी है, कई पात्रों के साथ अन्याय होता है, कई पात्रों के साथ न्याय होता है। प्रभु श्री राम के साथ भी अन्याय हुआ ना, जब वो राजा बनने वाले थे, उन्हें वनवास का दंड दे दिया गया। सो प्रियंका पिल्ले पूछती हैं कि हम राम सीता से रिलेशनशिप एडवाइस किस तरह की ले सकते हैं, मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो, जो राम सीता का मिलन था उससे क्या सीख सकते हैं मॉडर्न डे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के। देखिए, प्रभु श्री राम और माँ सीता देवी जो हैं, इनकी इनका जो रिश्ता था, जो रिलेशनशिप था, उसके केंद्र में था, सेंटर पे था मर्यादा, कानून, प्रथाएं। तो दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट इमर्जेस व्हेन ट्रेडिशंस एंड रूल्स आर एट द सेंटर। एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इज बेटर और वर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बेहतर है या वर्स, नहीं, एक अलग तरीका है। प्रभु श्री कृष्ण के जो रिश्ते थे, उसमें आप देखेंगे, उसमें केंद्र में हरदम होता था प्रेम, करेक्ट, लव। ये दो अलग मॉडल्स हैं, हर मॉडल का एक स्ट्रेंथ भी होता है, हर मॉडल का एक चैलेंजेस भी होते हैं। और ये मैं रामायण महाभारत से परे जाके, उनसे दूर हटके, अब अपने मॉडर्न रिलेशनशिप में आपको बताता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि कई रिलेशनशिप्स विच आर बेस्ड ऑन ड्यूटी, कि भाई दोनों अपने ड्यूटीज कर रहे हैं, एक साथ पार्टनर्स हैं, आपने देखा दोज रिलेशनशिप्स आर वेरी स्ट्रांग। कई बार जो बच्चे जो हैं पले बड़े अच्छे होते हैं, जो उनके जो कर्तव्य हैं सब ठीक से होता है, लेकिन हाँ बीच में वो पैशन नहीं है। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट्स नेगेटिव, वो अलग बात है, एक अलग, मैं आज के माहौल की बात कर रहा हूँ, इट्स एन डिफरेंट मॉडल। और एक मॉडल ऐसा है कि पूरा पैशन के ऊपर है, प्रेम भी जोर का होता है, लड़ाइयाँ भी जोर की होती हैं, ठीक है, इसमें कभी कभार कर्तव्य नहीं होता है लेकिन जिंदगी का रस मिलता है, ठीक है। दोनों मॉडल्स में स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं कि नहीं? जो कर्तव्य वाला जो मॉडल है, इसमें जिंदगी का रस नहीं मिलता है, करेक्ट, लेकिन परिवार का जो के जो कर्तव्य होते हैं वो सब अच्छे तरह से हो जाते हैं। ये जो लव वाला मॉडल है, इसमें जिंदगी का रस मिलता है, लेकिन कभी कभार पैशन के कारण लड़ाइयाँ भी होती हैं, डिवोर्स भी हो जाता है, करेक्ट। तो आई एम नॉट सेइंग एनी मॉडल इज बेटर और वर्स, आप कैसे इंसान हैं, यू चूज द मॉडल विच मेक सेंस फॉर यू, या जिंदगी आपको किस रास्ते पे ले जाती है। शायद जिंदगी आपको इस रास्ते पे ले जाए कि किसी से प्रेम हो ही नहीं, होता है कई लोगों को प्रेम होता ही नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा मिलता ही नहीं है। और ये पिक्चरों ने भी ऐसा बना दिया दैट यू हैव टू फाइंड द वन। यार कई लोग ऐसे होते हैं जिनको द वन मिलता नहीं है, क्या करें, ठीक है, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, एंड देयर इज नो डिसऑनर इन दैट। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, पीपल थिंक कि यार ये मेरा द वन है, इट बी अ फैंटेस्टिक रिलेशनशिप, आई हैव फ्रेंड्स लाइक दिस, लेकिन 10-15 साल बाद तलाक हो गया, ओके, वो भी हो जाता है। तो डज दैट मीन दैट दैट रिलेशनशिप वॉज अ वेस्ट? नो, 10-15 साल का रस मिला ना, इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। नथिंग इज बेटर, रिमेंबर इन द इंडियन वे द की थिंग नेवर जज, जजमेंट का कोई फायदा नहीं, ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इन योर ओन लाइफ। हर मॉडल में इज समथिंग टू लर्न एंड अप्लाई इन योर ओन लाइफ। जी सर, सर एक लास्ट सवाल आपसे कर लेता हूँ, मुझे पता आपका भी टाइम ख़त्म हो रहा है, तो ये महाभारत के बारे में सवाल होगा।
कर्ण के बारे में आपने बात की थी, आई टेक दैट, कर्ण के बारे में आपने बात की थी अभी, आपने उनके गलतियों के बारे में थोड़ा सा बात किया था, तो डायरेक्ट सवाल है सौरभ अग्रवाल का, और ये मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या आपने कर्ण के लिए कोई किताब प्लान करके रखी है? क्या आप कर्ण पर भी कोई किताब लिखोगे? और आप कर्ण के बारे में कुछ चीज़ें कह सकते हो जो अक्सर लोगों को शायद पता नहीं होगी? देखिए, ये कर्ण के बारे में तो मैं ज़रूर लिखूंगा, बिकॉज मेरे जहन में एक महाभारत के ऊपर एक कहानी, सो आई डू इंटेंड टू राइट दैट एज वेल। सौरभ, रामचंद्र श्रृंखला में कदम कर लूँ, 5 किताबें हैं, 3 प्रकाशित हो चुकी हैं, 4th मैं लिख रहा हूँ, विच विल कम आउट बाई द एंड ऑफ दिस ईयर। लेकिन जब ये खत्म हो जाए तो शिवजी की कृपा रही तो आई विल राइट महाभारत एज वेल, जिसमें ऑफकोर्स कर्ण विल बी आउट देयर। एंड कर्ण इज अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर, क्योंकि उसमें हुनर की कुछ कमी नहीं थी, द गॉड्स हैड ब्लेस्ड हिम विद एवरीथिंग, राइट? इतना हुनर था, इतना टैलेंट था, ओके, दिल का अच्छा भी था, दानवीर था, हेल्पिंग अदर्स। लेकिन शायद दो चीजें, एंड दैट समथिंग दैट वी शुड लर्न एज वेल, कई बार ऐसा होता है कि हम में टैलेंट होता है लेकिन हम उस टैलेंट को जस्टिस नहीं कर पा सकते, वी डोंट अचीव एवरीथिंग दैट वी कुड विद द टैलेंट दैट वी आर ब्लेस्ड विद। एंड कर्ण इज एन एग्जाम्पल टू लर्न, कर्ण एंड रावण, बोथ ऑफ देम आर एग्जाम्पल्स टू लर्न, कि रावण के पास भी कितना टैलेंट था, व्हाई डिडंट ही अचीव थिंग्स? वेल, फॉर रावण द प्रॉब्लम वॉज ईगो, नो कंट्रोल ओवर हिज ईगो एंड एंगर मैनेजमेंट इशूज, टेम्पर के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं, कुछ नियंत्रण नहीं, गुस्सा में कुछ भी कर दिया उसने, एंड देन मेक्स ए सिचुएशन वर्स, ओके? गुस्सा आता है, गुस्से पे काबू कैसे किया जाए, दैट्स समथिंग टू लर्न फ्रॉम रावण। कर्ण में टू थिंग्स, टू शॉर्टकमिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम, एक तो मैंने पहले बता चुका है, मैं पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी, ब्लाइंड लॉयल्टी, ब्लाइंड लॉयल्टी नहीं होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ब्लाइंड लॉयल्टी नहीं होना चाहिए। सेकेंड, रिजेंटमेंट, इसका मतलब क्या है? देखिए, हम सबको, आपने सुना होगा ना, ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी, हम सबको एक ऐसा एक ग्लास मिलता है, इसमें हाफ फुल भी है हाफ एम्प्टी भी है, हम किस तरफ देख रहे हैं वो हमारे ऊपर है। ऑल ऑफ अस एट टाइम्स आर ब्लेस्ड विद मोर देन वी डिजर्व, एंड एट टाइम्स आर ब्लेस्ड विद लेस देन वी डिजर्व, हम सबके साथ ये होता है। लाइफ इज नॉट फेयर टू एनी वन इन द वर्ल्ड, तो ये सोचना कि भाई मेरे साथ क्यों हो रहा है, दैट इज द स्टूपिडेस्ट थिंग, सबके साथ हो रहा है भाई, सिर्फ आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, सबके साथ अन्याय हो रहा है, ये जिंदगी का नियम है, ये विधि है, ठीक है? लेकिन कर्ण ऐसा था कि अगर उसके साथ कुछ अन्याय होता है तो अंदर रिजेंटमेंट होता था, मेरे साथ ये क्यों हुआ, ओके, ये गलत है, ये अन्याय है, रिजेंटमेंट, एंगर। प्रभु श्री राम के साथ भी अन्याय हुआ, रिजेंटमेंट कभी नहीं आया। प्रभु श्री कृष्ण के साथ अन्याय हुआ, अंदर रिजेंटमेंट कभी नहीं आया। सीता देवी, सीता माँ के साथ अन्याय हुआ, अंदर रिजेंटमेंट कभी नहीं आया। तो वो अपने जो अनफेयरनेस ऑफ लाइफ थे उसको संभाल पाए, मतलब अपने टैलेंट को जस्टिस दे। लेकिन कर्ण के अंदर वो रिजेंटमेंट आ गया, यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ओके? एंड इन दैट यू एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स। तो दैट्स द सेकेंड थिंग टू लर्न फ्रॉम कर्ण, रिजेंटमेंट इज अ कंप्लीट वेस्ट। एंड थिंकिंग कि द वर्ल्ड इज अनफेयर, माय बॉस इज अनफेयर, माय कंपनी इज अनफेयर, माय एवरीवन इज अनफेयर टू मी, यार ये सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ होता है, दिस इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ। कभी कभार लाइफ इज अनफेयर, कभी कभार लाइफ इज मोर देन फेयर। लर्न नॉट टू बी रिजेंटफुल इन दोज टाइम्स व्हेन लाइफ इज अनफेयर टू यू, दैट्स अनदर थिंग टू लर्न फ्रॉम कर्ण। एंड आई विल राइट ऑफ दिस इन द महाभारत स्टोरी। थैंक यू सौरभ। थैंक यू अमीश सर, ये आपकी नई किताब धर्म, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड लक विथ इट। आई एम श्योर कि बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस किताब की वजह से। हमेशा जब भी मैं आपसे बात करता हूँ मुझे बहुत सीखने को मिलता है, तो वन बिग थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट सर, धन्यवाद। द रणवीर जो हिंदी पर ये आपका डेब्यू है अभी, इसके बाद और बहुत सारे एपिसोड्स करेंगे। थैंक यू अगेन सर। थैंक यू सो मच।